डियर व्यूअर्स, एक अगेन वीडियो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में जॉब से अनाउंस हुई हैं उसके हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट पास किया था तो उनके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स अनाउंस हुई है, जिसमें कल्चर डिपार्टमेंट से लेकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वो डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो इनकी वन बाय वन में वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म को कहाँ पर भेजना है। और बाय द वे, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी बता दिया करें ताकि हम चेक करें कि ये जो है वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ओरिजिनल है या ऑथेंटिक है भी या नहीं। तो देखें, ये वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, humanrights.sindh.gov.pk/jobs लिखेंगे तो ये 10 जुलाई का एडवर्टाइजमेंट आपके पास शो होगा। ये आप डाउनलोड करेंगे ना, थोड़ा सा ब्लर है, इस वजह से मैंने ये जो साफ एडवर्टाइजमेंट है ये मैंने डाउनलोड किया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है, वो हम देखते हैं। अब इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट पास किया है और विद इन 14 डेज़ के अंदर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म को भेज देना है। अब जिसमें देखें, यहाँ पर कराची के लिए डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कराची के लिए दो पोस्ट हैं, एक है पर्सनल असिस्टेंट, दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर। BPS 15 की है, BPS 12 की है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो एक एक हैं, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर इस बॉक्स में देखें, एज रिक्वायरमेंट्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, 18 से 28 साल। देखें आप यहाँ पर 18 से 28 साल ऑलमोस्ट इसमें सेम है, तो ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पर जो और रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसके लिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी HSC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास एटलीस्ट इंटरमीडिएट में सी ग्रेड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और एक साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आपके पास जो स्पीड है आपकी टाइपिंग की वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हैदराबाद के लिए जो है वो दो पोस्ट अगेन है, यहाँ पर हैदराबाद के लिए एक है जूनियर क्लार्क, ठीक है, जो कि BPS 11 ग्रेड की है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए एटलीस्ट सी ग्रेड के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास MS ऑफिस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सखर के लिए जूनियर क्लार्क की BPS 11 ग्रेड की पोस्ट है, एक है इनकी नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें भी इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए सी ग्रेड के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, MS ऑफिस का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। शहीद बेनज़ीराबाद के लिए यहाँ पर देखें, स्टेनोग्राफर BPS 14 ग्रेड की पोस्ट है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसके लिए डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है, जिसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ किसी भी HSC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, जिसमें आपकी स्पीड जो है ना वो 120 एंड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली। आपके पास MS ऑफिस का भी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। जूनियर क्लार्क की BPS 11 ग्रेड की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट में एक है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट सी ग्रेड के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड में, और MS ऑफिस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीरपुर खास के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, दूसरी है जूनियर क्लार्क की, ठीक है, BPS 12 की है, ये जो है वो BPS 11 की है। अब इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास इंटरमीडिएट सी ग्रेड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एक साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आपकी स्पीड जो है वो टाइपिंग की वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जूनियर क्लार्क के लिए सेम रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट सी ग्रेड होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में, और बाकी आपका आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद ये लाड़काना के लिए जो है वो स्टेनोग्राफर की BPS 14 ग्रेड की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसमें जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ किसी भी HSC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपके पास शॉर्ट हैंड कोर्स होना चाहिए टाइपिंग का भी, जिसमें आपकी जो स्पीड है वो 120 एंड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली। आपके पास
एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो देखें सारी आईटी से रिलेटेड है, तो इसमें आपके पास एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊँ कि कराची के लिए ये जो है वो कराची के लिए है, जूनियर क्लर्क की बीपीएस 11 ग्रेड की पोस्ट जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट सी ग्रेड के साथ होना चाहिए और एमएस ऑफिस का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आप देखेंगे तो तकरीबन जो है ना वो सारी पोस्ट में सेम ही है। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अप्लीकेंट शुड सबमिट दियर अप्लीकेशन टू द ऑफिस ऑफ सेक्शन, ये इनकी बेसिकली एड्रेस है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध बंगलो, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कम्प्लीट एड्रेस है इनकी, इस पर आपने फॉर्म को सेंड करना है। फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है आपने, पहले तो फॉर्म को फिल करना है, अपने नाम से लेकर क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आपने इसमें कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, ये वाली आपके एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स, ये सारे अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। आपका जो IBA टेस्ट का रिजल्ट है अभी तो है वो सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया होगा, तो वो आपने अटैच करना है। डोमिसाइल PRC आपके पास होना चाहिए, दो आपके पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स लेटेस्ट, ठीक है, पुराने नहीं देने, अभी जो आपने रिसेंटली निकलवाए होंगे ना वो आपने अटैच करने हैं। आपके CNIC की कॉपी और आपके प्रीवियस अगर कोई सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस वगैरह के तो वो आपने अटैच करने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पर जनरल अपर एज रिलेक्शन भी जो है वो दी जाएगी, और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि द पोस्ट विल बी फिल्ड ऑन अर्बन एंड रूरल कोटा एंड एज पर प्रस्क्राइब रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो ये कोटा की बेस पे जो है वो सीट्स होंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, सारे फॉर्म को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। अब कौन सा फॉर्म है, देखें यहाँ पर BPS 5 से लेकर 15 ग्रेड की ऑलमोस्ट पोस्ट के लिए जो है ना ये वाला फॉर्म है, जो कि इनकी वेबसाइट पे है, sindeducation.government.pk, ये इनकी वेबसाइट है, इसका मैं लिंक आपको भेज देता हूँ। ये वो फॉर्म है जो कि आपने डाउनलोड करके इसके साथ भेजना है, ठीक है, जिसमें आपने अपना यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर चूज के अपना यहाँ से एक पिक्चर पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद नीचे अपना CNIC, सेल फोन नंबर, रिलीजन, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिनमें आप वन बाय वन आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। उसके बाद ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो वो आप बताएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, कहीं पर आपने काम वगैरह किया है किसी इंस्टीट्यूट में तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन आपका क्या था, ड्यूरेशन क्या था, रेगुलर थे या टेम्परेरी थे, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद एड्रेस अपनी लिख के परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, और ये जो है वो आपने सेंड करना है इस एड्रेस पे। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, ये वो एड्रेस है, ये वाली ऑफिस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध बंगलो D184 क्लिफ्टन ब्लॉक वी अपोजिट साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची, ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूं। बाय द वे अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स हैं इनकी मैं वन बाय वन में वीडियो बनाता जाऊंगा, तो चैनल को या सब्सक्राइब तो कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। अगेन कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।